आज अमरोहा सदर तहसील बार एसोसिएशन रजिस्टर अमरोहा की एक बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष हरज्ञान सिंह प्रजापति की अध्यक्षता में कहा गया। और में समझौता हुआ था, समझौते के तहसीलदार साहब, एसडीएम, एसआरओ सब लोग बैठे थे और जो बातें तय हुई थी कि काम सुचारू रूप से होगा, जो फाइलें लंबित हैं उनकी सुनी जाएंगी, इनमें सुनने के लिए निर्णय होगा, ऑर्डर वगैरह दाखिल खारिज वगैरह होंगे। लेकिन ढाके तीन पार वाली बात कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, समझौता करने के बाद भी आज भी अधिकारी वाले काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मतलब तय किया है कि सब लोग अपन तहलार अमरोहा के कोर्ट को बहिष्कार करेंगे। अमरोहा श्री अभय कुमार के खिलाफ चल रही है, उनकी कार्यशैली और व्यवहार अच्छा नहीं है, उसको लेकर पिछले भी सत्ता भी 10 दिन से हड़ताल थी, लेकिन हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने आपस में वार्ता कराकर उस हड़ताल को समाप्त करा दिया था, लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उन्हें आज से बार ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जब तक तहसीलदार अमरोहा अपने व्यवहार और कार्यशैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, उस समय तक उनके न्यायालय का बहिष्कार जारी रहेगा। सभी अधिवक्ता इस बात के लिए माननीय जिले के उच्च अधिकारियों से भी इस संबंध में वार्ता करेंगे और शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई कराए जाने का यहाँ की तहसील बार अपनी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और जो निलंबित मामले हैं उनका निस्तारण नहीं कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब तक निलंबित मामलों का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक हम कोर्ट का बहिष्कार करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये बहिष्कार जब तक चलता रहेगा तब तक तहसीलदार अमरोहा अपने व्यवहार और कार्यशैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम कोर्ट का इसी तरह बहिष्कार करते रहेंगे। बैठक में मौजूद रहे अध्यक्ष हरज्ञान सिंह प्रजापति, महासचिव वसीम अहमद तुर्क, महफूज अली सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। SNL न्यूज़ से इमरान मलिक की रिपोर्ट, अमरोहा।